हेलो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5, एग्जैक्ट 5, और अजान हो रही है बहुत अच्छी पीछे प्यारी सी एकदम। मैं अभी सोया नहीं हूँ रात को, क्योंकि मेरे एक दोस्त को वापस जाना है एयरपोर्ट, और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसको शिकारा में छोड़ के आता हूँ। मुझे अभी पता चला कि डल लेक में एक नया ATM खुला है SBI का। मैंने सोचा कि क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए और आपको भी नया ATM दिखाया जाए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करने, जिसका नाम है SBI का ATM। अब आप सोचोगे कि ये क्या बात हुई, इसमें खूबसूरत क्या है। खूबसूरत ये है कि वो पहला ऐसा ATM है जो कि पानी के अंदर तैरता हुआ मिलेगा। अगर मैं और अच्छे से बताऊँ तो जैसे हाउस बोट्स हैं ना जो पानी में है, वैसे ही इस पूरे डल लेक में अभी एक SBI का नया ATM बना है जो कि डल लेक के अंदर है। तो मेरे को अभी पता चला और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अभी पता नहीं उसमें पैसे हैं या नहीं, क्या सीन है। और मैंने बोला आज़ाद सर को कि हमें घुमा लाओ, तो वो एक सेकंड में रेडी हो गए। दोस्तों हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, हम 13 नंबर घाट पर रुके हुए हैं बोट हाउस में, और वहां से हम आए हैं। कौन सा घाट है? घाट नंबर 8। तो अगर आप कभी डल लेक आओ हाउस बोट में रहने के लिए, तो अगर आपको ATM में एमरजेंसी पैसे चाहिए तो आप शिकारा राइड करके 8 नंबर घाट पे आ सकते हो SBI के ATM पे। लेकिन इन हाउस बोट्स पर रुकना नहीं है। हाँ, क्यों? इन वाले में क्यों? क्योंकि ये लो क्वालिटी हैं और ये बहुत लेक के बहुत पास हैं। हाँ। और इनमें सिर्फ एक या दो रूम हैं, जैसा बताया है, जैसा हमने बताया है कि जो बिल्कुल ये कह लो आप सड़क को फेस कर रही हैं, ये थोड़ी सी मतलब 1-2 स्टार टाइप हाउस बोट्स हैं। 20 मिनट्स लेटर। कौन सी वाली बोट? अच्छा हाँ, यहाँ अभी देखो दोस्तों, ये वाली जो ये पानी निकाल रहे हैं ना, अब ये गवर्नमेंट से आ गए ना, ये गवर्नमेंट का है। दोस्तों ये वाली जो बोट है ना, ये वाली ये टेढ़ी हो चुकी है, इसमें पानी गया, इसलिए वाटर एम्बुलेंस आ रखी है और इसमें से पानी निकाल रहे हैं। तो अंदर लोग वोग भी थे। हाँ वो देखो, अब देख फर्नीचर वर्नीचर सब निकल रखा है। हाँ जी सैफरन। हाँ दोस्तों, ये है ATM, आप देख सकते हो, और ये पानी के अंदर है, इसको कह सकते हैं हम फ्लोटिंग ATM। और ये बना है ऐसा, मैं आपको दिखाता हूँ कि कब इसका इनॉग्रेशन हुआ है। एक मिनट दो मुझे, अब मैं ये पार करके फिर यहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, फिर आपको मिलता हूँ। प्यार दोस्तों, ये ATM है और ये इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है वो है 16/8/2021 को, मतलब कि ये बनाई गई है 16 अगस्त को, तो अभी अभी नया ही बना है बिल्कुल एकदम। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये पानी के अंदर है, तो आप देख सकते हो ये पानी है, ये हमारी शिकारा है, ये ATM है, ये बिल्कुल पानी के अंदर है। अंदर से देख आता हूँ। तो ये दोस्तों ATM है, मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए इसलिए मैं कुछ निकाल नहीं रहा हूँ। दोस्तों हम अपनी नींद तोड़ के ना, सच में हम पूरी रात सोई नहीं है। अगर आप मैं अगर सच बताऊँ ना, मेरे दोस्त देखो यहाँ सोए पड़े हैं। और ये आज़ाद चाचा को हम उठा के लेके आए नींद में सुबह 5 बजे कि चलो हमारे साथ व्लॉग बना के आना है। तो दोस्तों आपके लिए इतना प्यारा व्लॉग बनाया, तो आप एक
लाइक जरूर छोड़ना, आप बोलो लाइक करने को। लाइक करना जरूर। हाँ देखो अब लाइक कर देना। और अगर आपको इसके अलावा भी डल लेक के बारे में कुछ भी जानना है, मतलब मुझे सब तो नहीं पता लेकिन मैं 2-3 बार आ चुका हूँ और मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का पता है, काफ़ी सारे लोग हैं जो अब मुझे जानते हैं, मेरे अपने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक छोड़ देना, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना। और इसके अलावा अगर आपको ऐसे कश्मीर के बहुत खूबसूरत से व्लॉग्स देखने हैं, और काफ़ी जगह मैंने कवर किए हैं जो कि फेमस नहीं है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पे। ओके भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। क्या? पैसे कैसे निकालने? पैसे कैसे निकालने? बनाने। एटीएम्स बनाने? कैसे बनाने? मतलब निकालने के लिए। अच्छा, तो उसको ऐसा शिकार मेहनत करो, ठीक है? और कुछ? हसल हसल, यू हैव टू हसल, लाइक यू हैव टू अर्न मनी। हसल मैं तो ऐसे पूछूंगा कहाँ है, तो तू गार्ड नंबर बताइए, ठीक है? थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो ऐसे लगेगा तो वो है मैनी क्यून, मैनी क्वीन जो भी बोलते हैं उसको।